ओके, वी आर गोइंग टू डू नाउ एक्सरसाइज 5.1, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट और पार्ट नंबर 6, ठीक है। क्या लिखता है वो, वाई इक्वल्स टू जेड प्लस है, जेड प्लस में कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो कहते हैं 1, 2, 3, 4 सारे ऑनवर्ड्स। और टी में क्या आता है, टी में आता है आपके पास ओ प्लस लिखा है, ऑड लिखा है, तो हमने सारे ऑड नंबर्स लिख दिए, डन। अब हम क्या करेंगे जी, इधर पहले इसका करेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में वो क्या कहते हैं, वाई यूनियन टी। अब y के सारे एलिमेंट्स, y के एलिमेंट्स क्या हैं, y के एलिमेंट्स हैं ये वाले, वो क्या है, टेबलर में करूं पहले, चलो टेबलर में करते हो तो जनरल कर देंगे, 1, 2, 3 सो ऑन। इसको समझ के जनरल में करना आसान है, तो पहले इसको कर लेते हैं, y यूनियन t हो गया, ओके। उसके बाद यूनियन डाला आपने और t के एलिमेंट्स लिख दिए, 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। ये जितने भी हैं ये डॉट डॉट का मतलब एक चलते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हमने क्या लिया, वाई यूनियन टी हमने कंबाइन करना है, तो क्या ये सारे के सारे इसके अंदर नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन। क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन, क्योंकि ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हो गए। ये क्या इसकी फॉर्म है, टेबलर फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, टेबलर। अब इसको जनरल में करते हैं, जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, y यूनियन t, y के एलिमेंट्स क्या हैं, z प्लस, ठीक है, यूनियन t के एलिमेंट्स क्या हैं, o प्लस। जब आप इधर से देखें ना आपको आसानी लगेगी, ये देखो जो z प्लस के एलिमेंट्स थे वो ये थे, ठीक है, क्लियर, और जो o प्लस के एलिमेंट्स थे वो ये थे। जब हमने यूनियन करनी है तो हमने कंबाइन करना है, तो ये 1 इसमें आ जाएगा, 3 भी इसमें आ जाएगा, 5 भी इसमें आ जाएगा, 7 भी, ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होंगे। तो हम सिर्फ यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिर्फ यही लिख देंगे, तो वो क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, z प्लस, ठीक है। या हम इसको z प्लस किसके बराबर था, y के बराबर भी लिख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, नन की बात। अब हम करेंगे दूसरा नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 में क्या है, y इंटरसेक्शन t, ये हम फाइंड करेंगे, क्लियर के बाद जी। पहले इसकी क्या करते हैं, पहले टेबलर में कर लेते हैं, चलो तो y इंटरसेक्शन t डाला, ठीक है। अब बोलो y के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3 सो ऑन, इंटरसेक्शन डाला, T के एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब हमने क्या लिया, y इंटरसेक्शन T का आंसर। अब हमने क्या लेना, जो कॉमन है, जो दोनों में मौजूद है, क्या इसमें 2 है, इसमें आएगा नहीं, इसमें 4 आएगा ना आगे जाके, वो इसमें आएगा नहीं, इसमें 6 आएगा वो आएगा नहीं आएगा, ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होंगे। इसमें 1 है, इसमें है आएगा, इसमें 3 इसमें है आएगा, इसमें 5 है इसमें आएगा आएगा, इसमें 7 इसमें आएगा आएगा, ठीक है, इसमें 9 है आएगा आएगा, क्लियर होगी बात जी। तो ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होंगे, ये होगी इसकी टेबुलर फॉर्म। जब हम इसको जनरल में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, y इंटरसेक्शन t, तो y की जनरल फॉर्म क्या थी, z प्लस, क्या थी, z प्लस, इंटरसेक्शन डाला हमने, और टी की जनरल फॉर्म क्या थी, ओ प्लस। ये अच्छा पहले उसको टेबुलर में कर दें, तो बाद में जनरल में कर दें तो आपको समझ ज़्यादा लग जाती है। अब हमने क्या करना है, अब आपने देखा इधर कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है, तो हम ये लेंगे वाई इंटरसेक्शन टी, जो कॉमन है, और कॉमन इसमें क्या है, जो दोनों में मौजूद है, और दोनों में क्या मौजूद है जी, ये वाले एलिमेंट्स दोनों में मौजूद है, उसका क्या नाम है, ओ प्लस। ओ प्लस का मैंने बोला था, आप टी भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, फिर भी नहीं समझ लगी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, दोबारा वीडियो देख भी सकते हो, बार बार इसको समझो, ये छोटा सा आसान सा एक्सरसाइज है, इसके बाद थोड़ा सा आएगा, थोड़ा टफ भी आएगा, लेकिन डोंट वरी, आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा, ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।